दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूरिया खाद के बारे में। यूरिया खाद को कौन कौन सी फसल में यूज करना चाहिए, हर फसल में बेसल डोज के लिए यूरिया कितना यूज कर सकते हो, चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, उसके साथ बागवानी के प्लांट में साल में कितनी बार यूज कर सकते हो, सब्जी वर्गीय फसल में यूरिया कितना देना है। दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी सावधानियाँ क्या है, कौन से तरीके से यूज कर सकते हैं। कभी भी कहीं भी यूरिया खाद के बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, संपूर्ण माहिती इस वीडियो में कवर करूँगा। तो किसान मित्रों ये वीडियो बिना स्किप किए ये वीडियो देखना है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूँ कठिका दिनेश, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल माई खेडू। तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस बटन को दबा ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन केवल यूरिया का के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यूरिया खाद में नाइट्रोजन 46% आता है। तो यूरिया की बात करूँ तो इसे कार्बोमेट भी कहते हैं, जो कि एक कार्बनिक ऑर्गिक होता है। तो यूरिया पानी में आसानी से घुल जाता है, तो यूरिया में 40% नाइट्रोजन आता है, यानी कि दूसरे कोई खाद में नहीं आता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं, पौधे के लिए सबसे ज़्यादा इन तीन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अब नाइट्रोजन की बेनिफिट की बात करूँ तो शुरुआती स्टेज में फसल जब छोटी होती है, पौधों की अधिक बढ़वार, पौधों को हरा भरा रखने के लिए और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए फसल की ज़्यादा हाइट हो जाती है, इसीलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है, जिसे क्लोरोफिल का निर्माण होता है और पौधे हरे भरे रहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन का उपयोग पौधे एमिनो एसिड क्लोरोफिल बनाने के लिए करते हैं। और नाइट्रोजन की कमी आप कैसे पहचान कर सकते हैं, तो पत्तियां पीली पड़ जाती है, शुरुआती स्टेज में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो पत्तियां पीली भी पड़ेगी, साथ में पत्ती की साइज भी छोटी छोटी होगी। तो आप देख लीजिए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी तो नहीं है ना। तो डोज की बात करें तो रवि खरीफ की फसलें हो या किसी भी फसल हो, सब्जी वर्गीय फसल छोड़कर आप पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज 30 से 35 किलो डाल सकते हो, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। रवि फसल के साथ और खरीफ फसल के साथ आपको कितना यूरिया देना है, फर्स्ट पानी पहला पानी के साथ आप 4.5 kg पर एकड़ आपको देना है, सेकंड पानी यानी कि दूसरा पानी के साथ भी आपको 4.5 kg पर एकड़ आपको देना है और आप किसी भी फसल में यूज कर सकते हो। सब्जी वर्गीय फसल की डोज की बात करें तो एनपीके का यूज बहुत होता है और टॉनिक का भी यूज बहुत होता है, तो इसमें आपको बेसल डोज 25 kg पर एकड़ के हिसाब से दे, चाहे कितनी कोई भी सब्जी वर्गीय फसल हो। सब्जी वर्गीय फसल में फर्स्ट पानी के साथ आप यूरिया चलाते हो तो यूरिया की मात्रा आप ये देखिए, बेल वर्गीय फसल जैसे कि आलू की फसल है, तरबूज की फसल है, करेले की फसल है, खरबूजे की फसल है, तो तरबूज से ज़्यादा खरबूजे में ज़्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, तो आप ऐसी फसलों में 2 से 4 kg पर एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप से चलाए या पानी के साथ दे सकते हैं। लेकिन जैसे टमाटर की फसल है, मिर्च है, बैंगन है, भिंडी है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी होती, उसमें आप 1 से 2 kg पर एकड़ के हिसाब से देना है, फर्स्ट पानी के साथ और सेकंड पानी के साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा बढ़वार नहीं चाहिए, उसमें आप थोड़ा कम यूरिया डालो। अगर बागबानी की बात करें तो बागबानी प्लांट में भी यूज करना चाहते हो तो किसी भी पौधे में, मानो कि फर्स्ट ईयर के प्लांट है तो आप एक प्लांट के हिसाब से 1 kg देना है, और 2 साल के प्लांट है तो आप 2 kg पर प्लांट दे सकते हो, और 3-4 साल के प्लांट है तो उसमें 3 से 4 kg प्लांट के हिसाब से आप एक प्लांट के हिसाब से आपको यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। और यूज
करना है तो हार्वेस्टिंग के बाद प्लांट की बढ़वार हो रही है तब यूज कर सकते हैं। बारिश के मौसम में यूज ना करें क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा आती है तो फसल की जड़ से भी नीचे चला जाएगा या तो पानी के साथ बहकर दूसरी जगह चला जाएगा। और छोटे प्लांट में कभी भी यूज कर सकते हैं, या तो बड़े प्लांट है फ्रूट ले रहे हैं या फ्रूटिंग स्टेज है या तो फ्लावरिंग स्टेज है तो आपको यूज नहीं करना है, हार्वेस्टिंग के बाद में यूज करना है बेसल डोज के लिए। अब दोस्तों यूरिया को कौन कौन से तरीक़ों से फसलों में यूज करना है तो हाथों से आप दे सकते हो, आप छिटकाव भी कर सकते हो जैसे सरसों गेहूं कपास में करते हो, लेकिन दोस्तों पानी आपको इतने ही मात्रा में चलाना है यूरिया रूट तक ही पहुंचे। अगर ज़्यादा पानी चलाते हो तो पानी के साथ बहुत नीचे चला जाएगा तो वो यूरिया वेस्ट हो जाएगा। उसके साथ ड्रिप से दिया जाता है तो जैसे कि पानी में आप मिक्स करोगे घोलकर एनपीके साथ में भी आप दे सकते हो। और थर्ड तरीका यह है कि स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। और स्प्रे के लिए डोज रहेगी 80 ग्राम प्रति पंप, जो 15-16 लीटर का पंप आता है उसमें आप 80 ग्राम डालकर भी स्प्रे कर सकते हो। एक एकड़ के लिए आप 150 ग्राम का यूरिया का यूज कर सकते हैं। दोस्तों विशेष सावधानियाँ कि बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रे में अगर आपको धूप में किया तो पत्तियाँ झुलस सकती है, डोज अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो अक्सर किसान जल्दी से बस फटाफट फसल बढ़ जाए ग्रोथ हो जाए रातों रात कुछ मैजिक हो जाए तो क्या करते हैं यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो आपको सोच समझ कर केयरफुल यूज करना है। और एक बात बताऊँ, आप अगर यूरिया का स्प्रे करना चाहते हो तो आप नैनो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हो, तो उसका डोज एक एकड़ में 500 ml का इस्तेमाल करना है। एक एकड़ में 10 पंप करना है तो आपको एक पंप में 50 ml लेकर स्प्रे करना है। और एक एकड़ में आप 7 पंप करना है तो आपको एक पंप में 70 ml लेकर स्प्रे करना है। पर 500 ml की जो बोतल आती है वो आपको एक एकड़ में छिटकाव कर ही देना है तो अच्छी रिजल्ट आएगी। अब दोस्तों यूरिया की विशेष सावधानी है, यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन होता है तो फ्लावरिंग स्टेज में यूज नहीं करना है, फ्लावरिंग स्टेज में यूज करोगे तो पौधे की बढ़वार हो जाएगी, फ्लावर कम मात्रा में आएंगे और फ्लावर की ड्रॉप होने की समस्या भी बढ़ जाएगी, इसलिए फ्लावरिंग स्टेज में यूरिया नहीं यूज करना। फसल में ब्लाइट की समस्या है तो भी नाइट्रोजन युक्त कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है, जैसे कि एप्पल में ब्लाइट की समस्या बहुत आती है और अनार में भी ब्लाइट की समस्या बहुत आती है, तो इस टाइम में कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते हो तो कोई भी नाइट्रोजन वाला खाद नहीं देना है। तो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, किसके साथ बैठता है और किसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट डाईअमोनियम फॉस्फेट यानी कि DEP के साथ कॉम्बिनेशन है तो रिएक्शन नहीं करता, इसके साथ आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, लेकिन यूरिया का कॉम्बिनेशन SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। जब भी आप SSP के साथ आप यूरिया को मिक्स करोगे तो यूरिया में नाइट्रोजन आता है वो SSP के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो चिपचिपा सा बन जाएगा और पिघलने लगेगा, इसलिए SSP के साथ किसान कम यूज करते हैं। SSP और यूरिया को आप ज़्यादा टाइम तक कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, अगर SSP और यूरिया का कॉम्बिनेशन करना है तो तुरंत ही खेत में डाल दीजिए। इसी के साथ साथ जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे किसान भाई तक ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार।